अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम आपको टेक में वेंटिलेटर की सर्विस का तरीका कार बताएंगे कि इसकी इंटरनल सर्विस कैसे की जाएगी मेंटेनेंस की, क्योंकि ये 5000 आ चुका है। इसके पार्ट्स रिप्लेसमेंट करेंगे वो आपको नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। इस सेशन में मेरे इंजीनियर अजीम बिलाल हैं, वो आपको इसका सारा प्रोसीजर बताएंगे। उम्मीद है कि आपके लिए ये इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी और आप इसको देख के अपने वेंटिलेटर की मेंटेनेंस कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको केमिकल लिया, हमने स्टीलियम, उससे इसको डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये वार्ड से आया है, इसके ऊपर मल्टीपल पेशेंट लगते रहे हैं। ये आपकी हिफाजत के लिए बेहतरीन एक वो होता है तरीकाकार के आप अपनी हिफाजत पहले करें। इक्विपमेंट की बॉडी को एक्सटर्नली डिसइंफेक्ट करेंगे आप किसी भी केमिकल से जो रिकमेंडेड होते हैं बायोमेडिकल इक्विपमेंट को डिसइंफेक्ट करने के लिए। तो ये अजीम साहब इसको डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम इसके बॉडी ओपन करेंगे, ओपन करके इसके अंदर के बाकी मेंटेनेंस करेंगे। साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा, आप मेरे साथ रहिएगा। इससे पहले हमने इसके फ्लो सेंसर वगैरह जो यहाँ लगे होते हैं वो उतार लिए हैं, उनको हम सेटेलाइजेशन के लिए भेजेंगे। ये उतारा हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला जो फ्लो सेंसर हमने उतारा है, जब लगाने लगे हैं तो मैं आपको उसका प्रोसीजर भी बता दूँगा। इसी तरह पेशेंट सेंटर भी इसका उतार दिया, हमने सिलिकॉन वाला वो भी सेटेलाइजेशन के लिए भेज दिया है। तो बॉडी को हम डिसइंफेक्ट कर रहे हैं एक्सटर्नली। केबल, मॉडिफायर, जो भी एक्सटर्नल पार्ट है सबको आप डिसइंफेक्ट करेंगे, या सेटेलाइजेशन वाले हों तो उनको आप प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उन पार्ट्स को आप सेटेलाइज करवाएंगे। सेटेलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेव भी ट्राई किया जा सकता है और ड्राई सेटेलाइजेशन भी हो सकती है, जो भी रिकमेंडेड होगा या आपके पास अवेलेबल फैसिलिटीज है उसके मुताबिक आप करेंगे। ये बैक प्लेट के स्क्रू खुल रहे हैं, ये आप देख लीजिएगा, ये सारे स्क्रू हम उतार चुके हैं, लास्ट स्क्रू खुल रहा है, उसके बाद इसकी बैक प्लेट अलग हो जाएगी। ये अजीम साहब करिएगा काइंडली। हाँ, ये स्टैंड पे था तो इसके ये नॉब लगी हुई थी स्क्रूज के, इसको पकड़ने के लिए ये खोल है जिसकी बैक प्लेट। ये देखें हल्का सा स्लाइड किया है उसी के ऊपर। अब ये देखें आप इसके अंदर, आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कितना डस्ट पड़ा हुआ है। ये सारा डस्ट जो है ये बाद में जो अभी सीज़न चेंज हो रहा है, सर्दी का सीज़न आ रहा है, तो इस सीज़न में ये डस्ट मॉइस्चर बनेगा, मॉइस्चर बन के आपके बोट्स को डैमेज कर देगा और आपका वेंटिलेटर ख़राब हो जाएगा। तो इससे बचाने के लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। डस्ट ब्लोअर से उसको ब्लो कर रहे हैं, डस्ट ब्लोअर का जब भी आपने किसी मशीन पे ब्लोअर यूज़ करना है तो ये इंश्योर कीजिएगा कि जो उसके कूलिंग फ़ैन होते हैं या एग्जॉस्ट फ़ैन लगे होते हैं अंदर छोटे, उनके कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दें। उसकी वजह ये है कि जब आप ब्लोअर चलाएंगे तो हाई प्रेशर से यह फ़ैन उल्टा या सीधा घूमेगा, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा और आपके बोर्ड के ऊपर जो माइक्रो कंपोनेंट्स हैं वो एनर्जाइज होकर शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे या वो बर्न हो जाएंगे। तो हमेशा जितने भी फ़ैन हैं उनके कनेक्शन डिस्कनेक्ट लाजमी कर लीजिएगा ब्लोअर यूज़ करने से पहले। जो ब्लोअर वाला सेशन कंप्लीट कर लिया हमने, और ये साथ अभी हम इसकी बॉडी को क्लोज बंद करने लगे हैं। इसको प्रॉपर बंद करने के बाद हम इसको दोबारा सेल्फ टेस्ट लेंगे और वेंटिलेटर हमारा कंप्लीट मेंटेन हो गया। व्यूअर्स, एक पॉइंट जो ऑब्ज़र्व किया मैंने कि मेडिकल स्टाफ जो है पैरामेडिक्स, वो ये करता है कि पाइप को और उनको फ्लो सेंसर वगैरह को पेशेंट को होल्ड करने के लिए जो ये क्लिप है इसमें अमूमन ग्रिप इनकी ख़त्म हुई होती है तो ये ऊपर टेप कर देते हैं। अब प्रिंसिपली तो ये होना चाहिए कि हर पेशेंट के साथ ये टेप नहीं लगाई जाए, क्योंकि इसके अंदर इन्फेक्शन आ जाती है और ये सेटेलाइज भी नहीं हो पाता। इसको हम अभी उतरवा देंगे ताकि ये एरिया हम डिसइनफेक्ट कर सकें, और उनको इंस्ट्रक्ट भी कर देंगे कि अंदर जब भी यूज़ करनी हो अगर टेप यूज़ करनी पड़ जाए, क्लैंप लूज़ हुआ है, प्रॉपर क्लिप नहीं कर रहा, होल्ड नहीं कर रहा, तो आप इसको प्रॉपर टेप करें, हर पेशेंट के साथ नीटो लगा दें, और जब पेशेंट से सर्किट उतारेंगे तो नीटो को भी उतार देंगे। ये इसकी बॉडी कंप्लीट बंद कर दी है हमने, तो इसके बाद इसके पाइप हमने सेटेलाइजेशन के लिए भेजे हुए हैं और फ्लो सेंसर वगैरह, क्योंकि वो सिलिकॉन के हैं तो वो सेटेलाइज होके आ जाएँ तो हम वो लगा देंगे, और उसके बाद हमारा वेंटी ये डिसइनफेक्ट भी हो गया है और इसकी इंटरनल सर्विस भी कंप्लीट कर दी गई है। तो बाकी सेल्फ टेस्ट के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएँगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।